हेलो गाइस, राम राम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। और ये मेरे चूड़ी कंगन देख के सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 या 9 बज रहे हैं शायद। और आज मेरा व्लॉग रात से ही स्टार्ट हो रहा है। रात से स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कहा था मैं 2 दिन में एक व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी, तो मेरे को व्लॉग बनाना मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। और मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे हाथों में, आप मेहंदी देख रहे होंगे, आधी छुट्टी आधी लगी हुई है। और ये सेट वगैरह है, तो मुझे मैं सेट बनाते बनाते मुझे याद आ गया कि व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं व्लॉग स्टार्ट करने के लिए आ गई हूँ। मतलब मैंने फ़ोन उठाया, अपना स्टैंड उठाया और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो क्या, हाँ, तो मैं ये सब इसलिए तैयारी इसलिए चल रही है, मेरे भैया की शादी है। मेरे भैया की शादी है, हमारी सबसे बड़ी मौसी है, उनके लड़के की शादी है, सोनू भैया की शादी है। तो ये शादी है 4 तारीख को और हम जा रहे हैं कानपुर, या मतलब कानपुर से पीछे आगे जो भी है, कहीं फरुखाबाद नहीं, हाँ पुखराए, हाँ फरुखाबाद में मौसी रहती है और पुखराए पड़ता है, वहाँ से शादी है। तो हम भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, मम्मी पापा भी जा रहे हैं, आनंद भी जा रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि ये ब्लॉग कितना एक्साइटिंग होने वाला है। हाँ, और मैंने मेहंदी लगा ली है, वो मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दी थी, तो आप उस पर देख सकते हो। इसी की तैयारी चल रही है। और इस ब्लॉग में आपको एक बहुत ख़ास चीज़ भी ये देखने को पता चलेगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैं पहनने वाली हूँ एक मतलब अलग चीज़। आप लोग भी कर सकते हो, जितनी भी लड़कियाँ वो तो कर ही सकती हैं। मेरी माँ की साड़ी थी, बहुत प्यारी साड़ी थी, मतलब वो नेट वाली साड़ी पहले चलती थी ना जिस टाइप की, तो वो वैसी साड़ी थी माँ के पास। तो फिर मैंने उसका इतना प्यारा लहंगा बनवाया, वो आपको ब्लॉग में जब आप पूरा ब्लॉग देखोगे और लाइक भी करते जाना साथ साथ में, तब तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी प्यारी साड़ी है मेरी, मैं कितनी बातें कर रही हूँ और मैं काम भी करते जा रही हूँ, क्योंकि मेरा एक हाथ का सेट ये देख सकते हो आप कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो मेरा येलो कलर का है और आप देख सकते हो मेरा कलेक्शन। दिखाओ मेरे पास कितने सारे चूड़ी कंगन है। ये सारे कंगन है, मतलब ये मैंने एक दिन अभी सेट कर लिए थे सारे, ये कंगन एक तरफ कर दिए। और ये बीच में लगाने वाली चूड़ी है, जो अपन मतलब बीच में लगाते हैं ना चूड़ी, तो ये सब वैसी वाली चूड़ी हैं। और ये कुछ चूड़ा सेट है मेरा, ये भी एक चूड़ा सेट है। इसमें क्या रखा हुआ है, ये मैंने कुछ कंगन यूज़ कर लिए हैं, मतलब ये मैं सेट बना रही थी उसका। इसमें भी ये वैसे वाले कंगन हैं जो बीच में लगाते हैं, ये वैसे वाले हैं, ये 4 या 3 वाले हैं जो साइड में लगाते हैं, वो कंगन है। और मेरे कवर्ड में क्या है मैं दिखाती हूँ, और मतलब और मैं आपको कलेक्शन दिखाती हूँ कौन कौन से कंगन है। ये कुछ मतलब घर वैसे हैं, घर के हिसाब के हैं कुछ ऐसे। इसमें ये वाली प्रिंटेड चूड़ियाँ हैं, ये कुछ ऐसी हैं नॉर्मली पहनने के हिसाब से, ये सारी चूड़ियाँ हैं। हाँ, और क्या है, इधर कहीं भी थी, हाँ इधर कहीं भी थी। आज मैं आपको अपना कवर्ड दिखा रही हूँ, मेरा देख लो, सजनी संवरने का सामान इधर ही रहता है सारा, सजनी संवरने का सामान इसमें रखी हुई है। ये कुछ चूड़ियाँ कंगन वगैरह इसमें रखे हुए हैं, ये सब मैं से सेट करके रख देती हूँ, जो चीज़ें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना, इसमें मैंने सारे अपने ब्लेंडर भर के रख दिए हैं। ये देखो मेरा मेकअप का सामान आप देख सकते हो, और इसमें कुछ जो ऐसा सामान रखती हूँ जो मुझे कहीं भी ले जाना पड़ता है। हाँ, और इसमें सारी ये वाली लाइनर कुछ नहीं लगाती मैं सिर्फ काजल लगा के तैयार होती हूँ। अब लोग आधे हंसेंगे कि हाँ इतना मेकअप का सामान है और इतनी काजल लगा के तैयार होती। हाँ देखो, जब शादी वगैरह में तैयार होना पड़ता है तब थोड़ा सा मेकअप होती, थोड़ा सा मतलब हम मेकअप सिर्फ 5 मिनट में कम्प्लीट कर लेते हैं अपना। आपको अगर मैं बताऊँ, मैं 5 मिनट में अपना मेकअप कम्प्लीट कर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम हेयर स्टाइल में लग जाता है, कपड़े सेट करने में, मतलब कपड़े सही करने में, और वैसा चूड़ी कंगन पहने में उसमें टाइम लग जाता है, बट मेकअप मेरा सिर्फ 5 मिनट में लगता है। फेस का जल्दी से कर लेती हूँ और सिर्फ काजल यूज़ करती हूँ, लाइनर मैंने लगाना बंद ही कर दिया है। हाँ, कितनी बातें कर रही हूँ मैं तो। हाँ, मेरी ये बात है शायद सारी लड़कियाँ बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनेंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और मैंने अपना यूट्यूब पर पता देखा था, तो उसमें ये था कि 40, 53 या 58% गर्ल्स मेरे व्लॉग देखती हैं, तो उनको ये सब देख के मज़ा आ रहा होगा। तो देखो, एंजॉय करो और मैं अपनी और पैकिंग शुरू कर लूँ जब तक मैं, बस इतना ही। देखो क्या हुआ मेरे साथ,
अभी हमारे रूम में ये एक रूम फ्रेशनर लेके आए हैं जो हर 20 मिनट में पिस करता है। ठीक है, देखो दिखाती हूँ। ये ऑटो रूम फ्रेशनर है, ये हर 20 मिनट में, मतलब उसका टाइम रहता है, आप जिस हिसाब से सेट कर दोगे उस हिसाब से ये उतने मिनट में पिस करेगा। हाँ, तो अभी उसकी आवाज़ आई तो एकदम से डर गए, चौंक गए। रात में रख दूँ किसी के रूम में तो वो डर के ही वो हो जाए। देखो मैं तैयारी तैयारी, अब मैं सेट बना लूँ, मिलते हैं फिर। अभी ये भी नहीं आए, अभी ये कहीं गए हैं, ये भी तैयारी में लगे हुए हैं, ये अपनी शेविंग वगैरह कराने के लिए गए हैं, मतलब दिन में टाइम नहीं मिलता है तो इसलिए अभी गए हैं। तो चलो, चल रही थी और इधर बारात आ गई, आपको कैसा लग रहा है? कल अपन जा रहे हैं, बोलो अच्छा लग रहा है? अरे आज फालतू की मूवी देखते रहते हैं, फालतू की मूवी है, अच्छी है। हम लोग को कल सुबह कितने बजे निकलना है बताओ? 8 बजे नहीं निकलना है, उठना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। हम लोग को सुबह जल्दी उठना है, तो चलो ब्लॉग का एंड करते हैं, टाटा। हेलो गाइस, तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मम्मी पापा लोग वहाँ से निकल चुके हैं, सागर से भी 7:30 बज रहे थे। पापा कह रहे थे पापा नरियावली क्रॉस कर चुके हैं और हम भी उठ चुके थे, मतलब 6:30 पहुँच गए थे। अभी ये सो रहे हैं, पापा ने कहा नीचे ही मिलना, बिल्कुल लेट नहीं करना। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ क्योंकि मुझे पूरा ब्लॉग कवर करना है ना। तो फिर अब चलो जल्दी से मैं जाती हूँ नहा के और रेडी होके आती हूँ और इनको उठाती हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर से। इस लाइट से बहुत दिक्कत है इनको, तो चलो मैं नहा के आती हूँ, रेडी होके आती हूँ, मिलते हैं फिर। ठीक है, उठ जाओ। आ गए मम्मी पापा, हम रेडी हो गए और बहुत लेट हो गए हैं, पापा कह रहे थे रोटी बनाना लेकिन भूल गए, तो अभी हम जल्दी से उठ के पैर धर करके आते हैं, चलते हैं। हमारे दो किले बना दिए नाश्ते में, सब ने कर लिए, पापा ने कर लिए, कुछ पैक कर लिए और फिर हम लोग निकल जाएंगे नाश्ता करके। ये बैठी रूम में, अब जाने की तैयारी। अरे अरे बाय आंटी, दवाई का डब्बा भूल गए थे तो फिर चलिए नहीं आए। दादाजी शोरूम में बैठे हुए हैं, सारा भैया का नाश्ता चल रहा है। बोलो आंटी। आंटी ने पहले ही बोल दिया बाय 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 बाय। सबका तुमरो लेंगा घूमे गो मारो दोलो नैया रे छे महीना से। हां
नेक्स्ट खिड़की खोल दो। सौरभ स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा था अपना तो गाड़ी में बंद बैठ गए हम लोग गाड़ी में। अम्मा खड़ी पापा लोग खड़े। अम्मी का पीछे बिठा दिया सामान के साथ। मम्मी सामान के साथ पीछे हम भैया सामान देखने वाले हैं। पापा पापा जब आए थे ना बीना से पापा पीछे बैठे थे। अच्छा। गेट लगे ऐसे। गेट बोला वो है फाड़ा। इस बार हम बैठे। बीच में बस फंसा दिया। उतर बैठ आनंद बैठो तो आनंद अगल बगल के पान और बीच के हनुमान। ड्राइविंग सीट चेंज हो चुकी है हमारे आनंद का। अब गाड़ी चलाने लगे। और बैक करो बैक करो बैलेंस 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 नहीं नहीं है चलो देखो। क्या ढूंढ रहे सब लोग? क्या ढूंढ रहे पापा? क्या ढूंढ रहे पता नहीं कुछ ढूंढ रहे हैं। पेट्रोल ढूंढ रहे हैं। मम्मी कैसा लग रहा है पीछे बैठे? ऐसे कर देती हैं मम्मी पीछे बैठे ऐसे कर देती हैं ऐसे ऐसे। मम्मी को चाची ने मेहंदी लगाई देखा। मम्मी नीलम चाची ने मम्मी को मेहंदी लगाई बहुत सुंदर अच्छी अच्छी। और हमारी माँ ने लगाई हम अपनी मेहंदी दिखाई जी। माँ ने मेहंदी लगाई मेरे को क्योंकि मेरा एक हाथ खाली था। एक हाथ में तो खुद से लगा लेते एक हाथ में नहीं लगा पाते। मम्मी के दोनों हाथ में लगी हुई है मेहंदी। मेहंदी बहुत फुर्ती में लगा देती है। हमें बल्कि टाइम लगा था हम तो बाहर आराम से दूर और चले थोड़ी दूर और चले। हमारे पापा को भूख लगाई। हमारे पापा को पराठे खाने हैं। कह रहे हैं पराठे के बिना हमारा नाश्ता नहीं होता है। घर से भी खा के ठंड लगा ही रही है। जिंदगी में पहली बार पहनी है। अब हमारा और नाश्ते का ऑर्डर कर दिया है पापा ने। क्या खा रही है पापा? क्या खा रहे हो? पनीर पराठे और आलू पराठे दही के साथ। पनीर पराठे मम्मी का स्पेशल पनीर पराठा था है ना मम्मी? मम्मी ने हमारे यहाँ नाश्ता नहीं किया। जीजा जी बोले क्या? जीजा जी तो क्या चाय पी लो चाय। हमारा जो प्रसाद अच्छा नहीं लग रहा जो सब बहुत खा लिया पी लिया। हम चलो चलते हैं फिर से गाड़ी में बैठते हैं। चलो 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 बैठो 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 बैठो। कानपुर 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 के लिए हमारी गाड़ी जा रही है। बैठो लेट नहीं करो। चलो हेलो गाइस तो हम लोग आज ही पहुंच चुके हैं। पापा की नींद हो गई है। पापा की नींद हो गई है। यो वो इतने बोरियत गाना चल रहे हैं नींद आ गई थी हमारे लाने। अब पापा को बजाने में पुराने वाले गाना सदाबहार गाना। हाँ पानी गिर रहा है झांसी में पानी गिर रहा है। अभी कितने बज रहे हैं? 12:30 बज रहे हैं और हम लोग झांसी पहुंच चुके हैं। और झांसी में पानी पानी कर रहा है दिखाते हैं हम आपको। ये देखो आप देख सकते हो गाड़ी पे ऐसे ये ओस ओसी है मतलब ये पानी गिर रहा है। आनंद कह रहा मेरे व्लॉग कोई नहीं देखता है। आनंद के लिए डिसलाइक करें नहीं लाइक करें भैया हमारे प्रवचन लगेंगे राजेश्वरानंद जी महाराज। अरे यार बाबा उनके खूब हंसी का प्रवचन खूब अच्छे रहे। दीदी सुनो तो गाइस तो हमारा दूसरा ब्रेक
दूसरा ब्रेक बोलना चाहिए या तीसरा बोलना चाहिए पता नहीं। तो अब हम लोग खाने का टाइम हो गया, अभी बज रहे हैं 2। हम लोग 12 बजे रुके थे नाश्ते के लिए, अब हम लोग खाने के लिए रुके। इधर तो आओ, कहाँ जा रहे? तो वो कहीं चले गए हैं और उनका फोन आ गया, किसी से बात कर रहे हैं। और हम लोग आ चुके हैं, ये कोई नमन रेस्टोरेंट है, वहाँ पर रुके हुए हैं। अच्छा है, रेड चेयर देखो, क्यूट क्यूट सी, क्यूट क्यूट सी चेयर, इस पर बैठ के फोटो खिंचाऊंगी। मम्मी अपना फोन गाड़ी में भुलाई है, मम्मी फोन नहीं चला पाएंगी। पापा कितनी बार भोजन हो गए? भोजन एक ही बार हुए थे। अच्छा, तो अभी नाश्ता हो गया 3-4 बार? नहीं, 2 बार। खाना खाना भोजन भोजन क्या है? हमारा खाना आधा आधा आ चुका है, सब कैसे बैठे खाना के लिए। अंधकारों को पहले मैं ब्लॉग बना लेने, हम नहीं बैठे, नहीं सब हमारा खाना ये सेव टमाटर है, मलाई कोफ्ता, ये दाल है। अब हम लोग खाना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। तो मैं कह रहा था अपना अपना पार्सल। अरे बाल्टी जा, बाल्टी देखो इनके में बाने ही लगे डंडी। तुम्हें पापा अच्छी लगा दाल मखनी है? नहीं मखनी खा रहे तो हैं। मखनी दाल पता है काय की रेस है? मसूर की। तुमने नहीं लिया ना? हमने हमने ले ले पापा। सौरभ भाई जी रखी रहने दो, नमक डालो जी वाला। जब भी वीडियो बन रही है इनकी, भाई हम कहें बोटा। हाँ मेरा ब्लॉग भी बन रहा है और खाना ही परस रही है, हमारी थाली थाली आ गई चुकी है। तो बस हम लोग लच्छे पराठे का वेट कर रहे हैं, मलाई कोफ्ता, सेव टमाटर, दाल, सलाद, पापड़, बस लच्छा पराठा हो रहा है। पापा के लिए तवा रोटी सलाद में, हाँ हम प्याज बस खाते हैं। पापा ने पूरी सलाद खा ली, आधा पापड़ खा लिया। अब खाने के साथ क्या खाओगे पापा? लच्छा पराठा हमारा कुड़कुड़ा सा। अब इसको मैं ऐसा ऐसा करूँगी, दोनों हाथ से कर लूँ फिर खाती हूँ। खाना खा के सबकी सीट चेंज हो गई, भोजन करके आज भी टोकते हैं पापा, भोजन करके सीट चेंज हो गई। सौरभ भैया भी से सबकी पोजीशन चेंज हो गई। जय राम जी, जय राम जी। 5वां ब्रेक चाय का। अब बहुत तेज पानी गिर रहा है, पता नहीं कैसे बरात लगेगी। अभी हम लोग अब लगा राहुल को फोन, चाबी अंदर आई है, आओ उतर जाओ मम्मी खटिया डाली। तो चाय चाय के लिए रुक गए क्योंकि पानी का मौसम ही, पानी बहुत तेज गिर रहा है और मौसम ही ऐसा हो रहा है कि चाय पीने वालों को चाय की ललक लग जाए। अब पता नहीं कैसे बारात लगेगी। अभी हम लोगों ने फोन किया, उनको जिस भैया की शादी है, तो उन्होंने बताया कि अभी निकासी हो रही है। तो हम लोग बस अब 20-25 मिनट मतलब आधा घंटा 1 घंटा में बस पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी कितने बज रहे हैं? 3:30-4 बज रहे, पता नहीं कितने बजे तक पहुँच रहे। वो खड़ी ना अंदर गाड़ी, मैंने गड्ढा वड्ढा नहीं, वीडियो स्टार्ट नहीं करी, पूरा ब्लॉग बना दिया मैंने। स्टार्ट होगी मेरा वीडियो। गाड़ी चेक कर रहे हैं कि कितना गंदी हुई, खोलो हमारा कांच भी, मैं कांच ही नहीं खोल रहा। अब हम लोग कंफर्म कर रहे हैं कि यही रिजॉर्ट है कि नहीं है, वैसे तो यही है। बेटर जाओ तुम। आ गए हम लोग फाइनली, हमारे पापा अब भी 10-20 मिनट पहले पनीर पकौड़े खाए, अब कह रहे हैं इधर हम लोग एंटर किए और इधर पे चल रहा था नाश्ता वगैरह चल रहा था, तो वो पापा कह रहे हैं कि एक जलेबी खा के आ रहे हैं। गार्डन, अब गार्डन से हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोगों को अब रुकना है, मतलब रहने के लिए व्यवस्था करती हैं जो, तो हम लोग वहाँ आ चुके हैं। स्टार वैली होटल है, तो गाड़ी में बैठे बैठे देख रहे हैं सब लोग उतर के घूम रहे हैं इधर पे। चलो उतर रहे हैं। तो
हेलो गाइस अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, देखा है लगते कब नहीं अच्छे, अच्छे कब नहीं लगते हैं, ये बात सही है। चलो तेज भी कम लग रही है आज तो, जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी चलो बाल धो लेना अच्छी, 16-17 साल की लग रहा है, 16-17 साल का हम आंटियों से लग रहा है, 28-16 नौ हाँ पूछ लो कमेंट में बता देंगे वो लोग, हम बेचारे इतने से हैं अभी, छोटे में शादी करा दी, बेकार और आ चुकी है, चलो चलो उतरना है गाड़ी से, ये है स्टार वैली, स्टार कहाँ है, स्टार दिख ही नहीं रहा, स्टार लिखा है बट वो स्टार वैली अंदर जाना है।